तो ब्रिलियंट नॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। देखिए प्रश्न है, मैट्रिक परीक्षा पास कर उच्च शिक्षा के लिए, उच्च मतलब ऊंचे शिक्षा के लिए उन्हें मतलब कर्पूरी ठाकुर कहाँ और किस प्रकार जाना पड़ता था। यानी प्रश्न को पहले समझिए, कर्पूरी ठाकुर जो पढ़ रहे थे तो उच्च शिक्षा के लिए, मैट्रिक पास किया उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए, इंटर के लिए और भी आगे के शिक्षा के लिए, तो वो कहाँ जा रहे थे और किस तरह से जा रहे थे, ये हमको उत्तर में बताना है। तो चलिए आइए उत्तर में देख लेते हैं। देखिए उत्तर में है, मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद, जब कर्पूरी ठाकुर मैट्रिक परीक्षा पास कर चुके थे, वो पास करने के बाद उच्च शिक्षा हेतु मतलब ऊंचे शिक्षा के लिए कर्पूरी ठाकुर ने आईए के लिए चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में नामांकन मतलब एडमिशन लिया। आपका यहाँ ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो रहा है, उच्च शिक्षा पाने के लिए आईए में कहाँ एडमिशन लिया था, चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में, और वहाँ किस में एडमिशन लिया था, आईए में। आगे देखिए, वे मतलब कर्पूरी ठाकुर घर से बिना जूता चप्पल पहने, सोचिए कैसा स्थिति था, बिना जूता चप्पल पहने पैदल चलकर मुक्तपुर रेलवे स्टेशन पहुँचते थे। आप देख सकते हैं कर्पूरी ठाकुर कितने दुख मुसीबत के साथ पढ़े थे। अभी हम लोग कितना आसानी से पढ़ लेते हैं, ऐसे आदमी को सैल्यूट है। आपको मैं बता दूं, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री भी बने थे। आगे देखिए, वहीं से रेलगाड़ी द्वारा, यानी मुक्तपुर जो है रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी द्वारा कॉलेज जाते थे। कहाँ जाते थे, कॉलेज जाते थे। अब आगे देखिए, प्रत्येक दिन हर दिन उन्हें मतलब कर्पूरी ठाकुर को 50 से 60 केएम दूरी यात्रा करना पड़ता था, मतलब सफ़र करना पड़ता था, इतना सफ़र हर दिन उसको करना पड़ता था, यानी आने और जाने में उसको 50 से 60 किलोमीटर का दूरी तय करना होता था। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।